नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह खास रिपोर्ट। दरअसल बुलंदशहर के सियाना में जवान चाहे सेना का हो या फिर पुलिस का, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जब वह जागते हैं तब हम चैन के नीचे सोते हैं। दरअसल बुलंदशहर के सियाना में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद गम का माहौल है, चाहे वह पुलिस विभाग हो या फिर प्रदेश में अन्य कोई। इस घटना की हर कोई निंदा कर रहा है। आजमगढ़ जनपद में भी JYSS संगठन के लोगों द्वारा मृतक सुबोध कुमार सिंह के आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। इस दौरान सभी की आंखें नम थीं। कैंडल मार्च के बाद JYSS के विनीत कुमार सिंह रिशु का कहना था कि सियाना में घटी यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए उन लोगों द्वारा यह कैंडल मार्च निकाला गया है। उन्होंने यह मांग की कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटित हो सकें। आज हम लोगों ने जो सुबोध सिंह की हत्या हुई है, जो कोतवाल थे वर्तमान में बुलंदशहर में, वहां पे निर्मम हत्या कुछ अराजक तत्वों के द्वारा की गई है, उसके विरोध में एक कैंडल मार्च निकाल के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने शासन और प्रशासन से मांग भी की है कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जब हमारे रखवाले जो पुलिस के तैनात जवान हैं, जाबाज हैं, वो ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित है। तो पूरे प्रदेश की सरकार से और प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि तत्काल उन लोगों को उचित कार्रवाई होगी, जैसे ऐसी घटनाएं आने वाले समय में फिर दोबारा नहीं घटेंगी। बुलंदशहर में सुबोध कुमार जी की हत्या हुई है, उनके श्रद्धांजलि सभा का हम लोगों ने आयोजन किया है यहाँ पे, और कैंडल मार्च भी किया है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना भी करी है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सहन शक्ति मिले। और आज यहाँ हम लोग शासन प्रशासन से, ये भी मुख्यमंत्री जी से अपना मतलब आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे कि जो भी इसमें ये हत्या हुई है उसमें जो अपराधी है उसकी सही से जांच हो और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उनके परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए इसके लिए।